हेलो फ्रेंड्स, फूड एंड क्राफ्ट विथ मीनू चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम अलग ही तरह की रेसिपी आपके सामने लेकर आए हैं। तो रेसिपी बनाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। फ्रेंड्स, जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपने फीडबैक कमेंट हमें देते रहिए। बेल आइकॉन दबा दीजिए जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। आज हम रोल पीठा रेसिपी लेकर के आए हैं। ये एक्चुअली असम का फेमस रेसिपी में से है और वो खास मौके पे ही बनाया जाता है। और सेम चीज़, यही चीज़ महाराष्ट्र में थोड़ा शेप चेंज करके इसे गणपति स्पेशल मोदक बनाते हैं। तो आज मैं आपको एक ही चीज़ से दोनों तरह का आपको बनाकर बताऊंगी कि आप इसे मोदक, चावल के मोदक कैसे बना सकते हैं। और असम का फेमस रेसिपी पीठा बोलते हैं इसको, रोल पीठा, तो वो भी आज हम बनाएंगे। तो एक ही रेसिपी में आप दोनों चीज़ सीख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे चावल का आटा लिया है और इधर कढ़ाई गर्म होने रखी हूँ। कढ़ाई में एक कप पानी ऐड कर दूंगी और पानी को हल्का बॉईल होने दूंगी। इसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, एकदम ही 1 पिंच, और इन सब को डालकर एक बॉईल आने देंगे। और यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी, जब तक ये पानी बॉईल होता है तब तक ये हमने फ्रेश नारियल लिया है, इसको हमने इस तरह से कद्दूकस कर ली हूँ और इसे कद्दूकस करके साइड में रखते हैं। पानी जब हल्का बॉईल आना जरूरी है, सबसे जरूरी है फ्रेंड। अगर बॉईल नहीं आएगा तो फिर आपका आगे का रेसिपी अच्छा नहीं बनेगा। इसी समय हम एक बड़े चम्मच घी भी ऐड कर देंगे। इन सब को मिलाकर एक बॉईल आने देते हैं। ये अच्छा सा पानी बॉईल हो गया है। अब हम क्या करते हैं, ये जो चावल का आटा ली हूँ इसमें इसे डाल दूंगी और गैस को कर देते हैं एकदम ही स्लो और ढक करके इसे 2 मिनट छोड़ दूंगी। और उसके बाद 2 मिनट के बाद इसी तरह मैं गैस को बंद करके नीचे उतार लूंगी। इसे उतार ली हूँ और ढक करके इसे छोड़ देती हूँ 2 से 3 मिनट के लिए। तब तक इधर दूसरी हमने कढ़ाई गर्म होने रखा है। कढ़ाई गर्म हो गया है, इसमें ये जो नारियल हमने लिए हूँ इसे डाल दूंगी। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी और काफी अच्छी बनती है। यहाँ पे हमने गुड़ लिया है, गुड़ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा करके आप गुड़ ले सकते हैं। और इन नारियल और गुड़ को हमें कंटिन्यू भून लेना है, इतना भूनना है कि ये गुड़ जो है नारियल के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। पानी हमें नहीं डालना है, बस इसी तरह से आप चलाते जाइए, ये आराम से मिक्स हो जाएगा। तो हम 2 मिनट इसे भूनकर रेडी कर लेते हैं। ये काफी अच्छा सा गुड़ भी मिक्स हो गया और गुड़ के साथ नारियल थोड़ा भून भी गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये हमने इलायची पाउडर ली हो इसे डाल दूंगी। 4 से 5 इलायची को कूट करके हमने ले लिया है। यहाँ पे ये ऑप्शनल है, हमने यहाँ पे तिल लिया है। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे डालिए, नहीं तो आप इसे भी स्किप कर सकते हैं, ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग है। और कुछ हमने ड्राई फ्रूट्स लिए, जिसको कि इस तरह से एकदम ही हमने बारीक चॉप कर लिया है। ड्राई फ्रूट्स अपने पसंद के हिसाब से, जो आपको अच्छा लगता है तो उसे डालिए। देखिए, हम इसे थोड़ा सा इस तरह से क्रश कर दूंगी जिससे बड़े टुकड़े ना रहे और इसमें डाल दूंगी। तो ये ड्राई फ्रूट्स और तिल जो है वो पूरी तरह से ऑप्शनल है। और इसे हम मिक्स कर देते हैं और गैस को कर दिया बंद हमने, इसको नीचे उतार लेते हैं और नॉर्मल टेम्परेचर पे आने तक का वेट करते हैं। ये इधर 2 मिनट हो गए, अब इसकी लिड को हटाऊंगी
और ये अभी गर्मा गर्म ही है, सॉरी। इसको इस तरह से चलाते हुए एक अच्छा सा आटे के डो के तरह रेडी करूंगी। देख सकते हैं यहाँ पानी मुझे जरूरत लगेगा, तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका अच्छा सा एक डो बना करके रेडी कर लेते हैं। ये इस तरह का हमने डो बना करके रेडी कर लिया है, अच्छा सा आटा गूंथ के रेडी कर ली हूँ। और इधर ये भी ठंडा हो गया है, तो अब हम एक बड़ा सा पोर्शन लेंगे। ये हम थोड़ा सा इसमें चावल का आटा लगाऊंगी और इसे एक पतली सी, ज्यादा नहीं करना हमें, बस थोड़ा सा चपाती की तरह हल्के हाथों हम बेल लेंगे, जिससे बहुत अच्छा और काफी टेस्टी ये बनने वाला है। आप जरूर एक बार ट्राई करके देखिए इस रेसिपी को, मजा आ जाएगा फ्रेंड। ये टूट रहे हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आप इस तरह से हल्के हाथों इस तरह से थोड़ा सा दबा दीजिए और इसे बेल लेंगे। ये बहुत ही बढ़िया और काफी टेस्टी रेसिपी बनने वाला है। इस तरह से थोड़ा सा दबाते हुए इसको एक लेवल में बना दूंगी। आप इसे गोल में भी बेल सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप स्क्वायर में ही बनाएं। तो हमने इतना पतला, देखिए इस तरह का हमने पतला बेल करके रेडी कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये मिश्रण को पूरे में इक्वली फैला दूंगी। ज़्यादा मोटा नहीं फैलाएंगे, बस थोड़ा थोड़ा इस तरह से फैला दूंगी। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, आप इसे एक बार ट्राई करके बनाइए और हमें अपना फीडबैक कमेंट जरूर से दीजिए। तो इस तरह से देखिए हमने पूरे में फैला लिया है, इस तरह से फैला दिया हमने। अब हम इसको साइड से इस तरह से उठाऊंगी और हल्के हाथों इसे दबाते हुए एक अच्छा सा रोल बना लेंगे। बहुत ही बढ़िया और काफी टेस्टी बनेगा ये। ये लास्ट का जो बचता है इसे इस तरह से वन साइड करके यहाँ मैं इस तरह से गीला कर दूंगी, जिससे कि ये चिपक जाए। तो इस तरह से देखिए रोल बन करके रेडी हो गया। हल्का सा इसे इसे मैं दबा दूंगी, ये एक रोल मेरा बन करके रेडी हो गया। साइड से जो है मैं थोड़ा इसे निकाल दूंगी इस तरह से एक्स्ट्रा आटा को। इसी तरह बाकी का रोल भी हम बना करके तैयार कर लेते हैं। और जब आप बनाइए तो आगे का जो आटा, जो एक्स्ट्रा आटा है आपका, उसे आप ढक करके रखिएगा। तो इस आटे को बाकी को ढक देती हूँ और इसी तरह से दूसरा भी बना करके सारे आटों को रोल बना करके रेडी कर लेते हैं। और आपको मोदक इसका कैसे बनेगा वो भी मैं बताऊंगी आगे के वीडियो में। तो फिलहाल अभी इसको 2 से 3 रोल बना करके मैं रेडी करती हूँ, फिर मिलते हैं। इस तरह से हमने रोल बना लिया है और इधर हम स्टीमर गर्म होने रख दी हूँ, इसमें पानी डाल करके अच्छा सा स्टीम होने के लिए रखा है। और इसको हमने पहले ग्रीस कर ली हूँ, जिससे कि जब इसे स्टीम करूँगी तो ये नीचे चिपकेगा नहीं। तो एक बार आपके स्टीमर में जितना आता है उस हिसाब से आप डाल दीजिए, बस 2 आएंगे इसमें। और इसे कम से कम 10 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे इसी तरह से स्टीम होने देंगे। और अगला आपको मोदक बनाना बताऊंगी। इस तरह का हमने मोदक मोल्ड लिया है, तो मोदक मोल्ड को हमने पहले ग्रीस कर ली हूँ। ग्रीस करने के बाद इसे बनाने का 2 तरीके हैं। पहला तो फ्रेंड इसको डो को, आटे का डो है उसे लीजिए और
आराम से इसे चारों तरफ से इक्वली इस तरह से दबाते हुए ऊपर तक अच्छे से फैला लीजिए। इस तरह से फैलाने से क्या होगा, पूरे चारों तरफ आटे का ये बहुत अच्छा सा स्पेस अंदर मिल जाएगा हमें स्टफिंग भरने के लिए। तो देखिए इस तरह का मुझे अंदर से स्पेस मिल गया और पूरे को हमने इस तरह से फिल कर लिया है इस तरह से। और ये जो हमारा स्टफिंग है इसमें थोड़ा थोड़ा डालते हुए अच्छे से फिल कर लूंगी, पूरा हल्के हाथों थोड़ा पुश कीजिएगा, नहीं तो अब प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ी। अब हम थोड़ा सा फिर से चावल का आटा लेंगे और इसको इस तरह से पैक कर देंगे। ये बहुत टेस्टी और काफी अच्छा लगता है। तो इसे हम महाराष्ट्र में लोग मोदक के नाम से जानते हैं, और आपको जो स्टीम करने के लिए रखा है उसे आसाम साइड में पीठा का नाम देते हैं। तो ये रेडी हो गया, देखिए निकालूंगी इसे। वाव कितना अच्छा सा, देखिए काफी अच्छा सा मोदक निकल कर आ गया ना, बहुत ही सुंदर और काफी बढ़िया। तो इसी तरह हम सारे मोदक को बना करके रेडी करती हूँ। हमने तो तीन पीस में पीठा का शेप दिया है और बाकी का हम इस तरह से मोदक बनाकर रेडी करते हैं। एक को हमने इस तरह से स्टीम करके हल्का ठंडा होने के बाद निकाल ली हूँ, और इधर हमने ये मोदक भी रेडी कर लिया है। सेकेंड स्टेप में फिर से मैंने यहाँ पे स्टीमर गर्म होने रखी हूँ और इसको मैंने ग्रीस कर लिया है। ग्रीस करने से आराम से ये मोदक निकल के आएंगे। देख सकते हैं कितनी अच्छी मोदक बन करके रेडी हो गई है। तो एक एक करके मैं एक दूसरे से टच नहीं करना है, हमें थोड़ा स्पेस रखते हुए इसे स्टीम करूंगी। ये बहुत टेस्टी और काफी अच्छा बनता है, और इसे हम कम से कम 10 मिनट्स के लिए इसी तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पे स्टीम होने देते हैं और ठंडा करके फिर इसे निकाल लूंगी। ये सारे मोदक को और ये रोल पीठा को स्टीम करके हमने स्टीम किया 10 मिनट से, इसे हमने 20 मिनट्स किया है और ये मोदक को 10 मिनट्स के लिए स्टीम की। और उसके बाद ठंडा होने के बाद सारे मोदक और ये पीठा को, रोल पीठा को हमने निकाल लिया है। आपको मैं कट करके दिखाऊंगी, बहुत ही बढ़िया और काफी अच्छा मोदक बना है। बहुत टेस्टी लगेगा अगर इस तरह से आप मोदक को बनाएंगे तो। देखिए वाओ कितना सुंदर सा मोदक बन करके रेडी हो गया ना, देखने में लग रहा ना यम्मी और टेस्टी, काफी अच्छी से मोदक बन गई है। अब हम ये जो रोल पीठा बनाया है इसे भी आपको मैं कट करके दिखाऊंगी, जो कि बहुत टेस्टी और काफी अच्छी बनी है। तो इसको पहले मैं आराम से एकदम कट करना है, साइड में हटा देती हूँ एक्स्ट्रा। ये बहुत टेस्टी लगता है और ये आसाम का स्पेशल बोल सकते हैं। वहाँ पे इस तरह से लोग कोई खास ओकेजन में बनाते हैं, और महाराष्ट्र में तो गणपति में तो मोदक हर घर में बनता ही बनता है। तो देख सकते हैं कितनी अच्छी ये बनकर के रेडी हो गई ना, देखने में भी बहुत सुंदर और टेस्टी तो है ही है। तो हम इसी तरह सारे को कट करके रेडी कर लेते हैं और फिर आपसे हम मिलेंगे। बहुत ही बढ़िया और काफी अच्छा मोदक बनकर के रेडी हो गया। गणपति जी के साथ साथ मुझे भी ये मोदक बहुत पसंद है फ्रेंड। तो देखिए ये हमारा इधर भी ये मोदक बहुत टेस्टी और काफी यमी सा बन गया है। जितना अच्छा देखने में लग रहा है उतना ही ये खाने में टेस्टी भी है।
तो इसे आप घर पे ट्राई कीजिए और अपने फीडबैक कमेंट हमें ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।